रात हो चुकी थी और राजकुमारी शालिनी और शक्ति दैव्य पूजा की तैयारियां करने लगी थी। राजकुमारी शालिनी सपने की वजह से हड़बड़ाहट में थी और वो हर काम में जल्दबाजी कर रही थी। तभी शक्ति ने कहा, उस सपने को सपने की तरह भूल जाइए दीदी, वो सिर्फ एक सपना था और कुछ नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, उसे मैं भूल नहीं सकती, वो सपना नहीं बल्कि संकेत है कि अगर पूजा पूरी नहीं हुई तो फिर सब पर संकट छा जाएगा, राजकुमारी शालिनी ने शक्ति से कहा। राजकुमारी शालिनी और शक्ति पूजा की तैयारियों में जुटी थी और उधर निंबक सेन भी अपना यज्ञ शुरू करने की तैयारी करने लगा था। निंबक सेन काफी काफी जोर जोर से शैतानी मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। आखिर ये अचानक इसे क्या हो गया, इतनी जोर से मंत्र पढ़कर ये किसे बुलाना चाहता है, वासु ने मन ही मन में कहा। निंबक सेन आंख बंद करके आसुरी शक्तियों को बुला रहा था और तभी निंबक सेन ने अचानक से अपनी आंख खोली और वासु को घूरने लगा। अब इसे क्या हो गया, ये मेरी तरफ क्यों देख रहा है, वासु ने डरते हुए फिर से मन में कहा। वासु को देखते हुए निंबक सेन की आंख फटी की फटी थी और वो पलक भी नहीं झपक रहा था। उसकी आंख खून के समान लाल हो गई थी। निंबक को देखकर वासु को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बात है निंबक सेन, तुम इस तरह से मुझे घूर क्यों रहे हो, वासु ने निंबक से पूछा। निंबक सेन ने वासु की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और अचानक से जोर जोर से यज्ञ में आहुति देने लगा। देखते ही देखते जो भूत आसपास अदृश्य थे वो सब प्रकट हो गए और काल नाग भी निंबक सेन के सामने आ गया। तैयार हो जाओ सब लोग, लड़ने का वक्त आ गया है, निंबक ने सबको आदेश देते हुए कहा। कुछ ही समय में गुफा में अफरा तफरी मच गई और वासु ये समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है और निंबक सेन के चेहरे पर इतनी घबराहट क्यों है। थोड़ी देर बाद निंबक सेन ने जब अपना यज्ञ पूरा कर लिया तो खड़ा हुआ और बोला, ये लड़का वासु हम सब के लिए परेशानियां लेकर आया है और इसके कारण अब तक के किए कराए पर पानी फिर सकता है। निंबक सेन ने जैसे ही वासु की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुरंत ही सारी दैत्य शक्तियां वासु की ओर घूर कर देखने लगी। आज की रात का समय काफी भारी है, अगर आज की रात कट गई तब तो कई सालों तक कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन अगर आज की रात में कुछ भी गड़बड़ हुई तो फिर समझ लेना तुम सब फिर से उसी नरक लोक में चले जाओगे, निंबक सेन ने आसुरी शक्तियों को डराते हुए कहा। डर के मारे सारी आसुरी शक्तियां वासु पर एक साथ आक्रमण करना चाहती थी। तभी निंबक सेन ने कहा, रुक जा, अगर तुमने ऐसा किया फिर तो घोर संकट हमारे ऊपर आ जाएगा, तुम सब ऐसा नहीं कर सकते, हम इसे जान से नहीं मार सकते हैं। आसुरी शक्तियां वासु को मार देना चाहती थी। वहीं वासु ने निंबक सेन से कहा, आखिर अब क्या हुआ निंबक सेन, और तुम इन लोगों को मेरे खिलाफ भड़का क्यों रहे हो। मैं इन्हें भड़का नहीं रहा हूं, लेकिन मुझे यह संकेत मिला है कि तुम हमारे काल बनकर इस गुफा में आए हो और आज की रात बेहद कठिन है, आज कुछ ऐसा होने वाला है जिससे तुम मुझ पर विजय प्राप्त कर सकते हो, और मुझ पर विजय प्राप्त करने का मतलब है इन सभी आसुरी शक्तियों का अंत। निंबक सेन ने वासु से कहा, ये सब नाटकबाजी बंद करो निंबक सेन, तुमने मुझे बांध कर रखा है और अब भला मैं तुम्हारा कैसे कुछ बिगाड़ सकता हूं, वासु ने निंबक सेन से घबराते हुए कहा। इस वक्त गुफा में इतनी अफरा तफरी मची हुई थी कि हर कोई घबराया हुआ था। वहीं राजकुमारी शालिनी ने पूजा करनी शुरू कर दी थी। राजकुमारी शालिनी एक पत्थर को ही देवता मानकर पूजा कर रही थी। तभी शक्ति ने राजकुमारी शालिनी से कहा, आखिर हम किस देवता की पूजा कर रहे हैं दीदी। हम शक्ति की पूजा कर रहे हैं, इस पत्थर में सभी देव समाये हैं और कोई भी देवता इस पत्थर से अलग नहीं है। ये पत्थर इस गुफा में कब से है कोई भी नहीं जानता है, लेकिन इस पत्थर के अंदर दैवीय शक्तियों का भंडार है। समय और उचित तरीके से अगर इस पत्थर को पूजा गया ना तो इंसान हर जंग जीत सकता है, राजकुमारी शालिनी ने शक्ति को बताया। राजकुमारी शालिनी पूजा कर रही थी और शक्ति उस पूजा में राजकुमारी शालिनी के साथ बैठी हुई लगातार उस पत्थर को घूरे जा रही थी। राजकुमारी शालिनी ने अपनी आंख बंद कर रखी थी, वहीं शक्ति अपनी आंखों से उस पत्थर को देखे जा रही थी।
एक पल के लिए भी शक्ति की पलक झपक नहीं रही थी और देखते ही देखते पत्थर से एक रोशनी निकलनी शुरू हो गई थी। ये वो ऊर्जा थी जो 15 साल की शक्ति को मिलने वाली थी। राजकुमारी शालिनी के पास बैठी शक्ति को उस पत्थर से ऊर्जा मिल रही थी, लेकिन राजकुमारी शालिनी को कोई होश नहीं था। उधर निम्बक सेन की घबराहट और भी बढ़ती जा रही थी और अचानक से उसने कहा, इस वासु को यहां से ले जाकर कहीं और रखो, क्योंकि अगर इसका और उसका मिलन हो गया तो फिर ये लोग हमको छोड़ेंगे नहीं। घबराते हुए निम्बक सेन ने कहा। किसी को भी निम्बक सेन की कोई बात समझ नहीं आ रही थी या आखिर हो क्या रहा था। वहीं अचानक से वासु के बंधन खुल गए और वासु आजाद हो गया। जैसे ही वासु आजाद हुआ, एक भूत ने वासु को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी वासु ने अपनी मशाल उठाई और उसकी ओर जोर से मारी। अब बहुत हुआ, अगर मेरे पास भी आए तो सबको खत्म कर दूंगा, वासु ने गुस्से में कहा। उस मशाल की मार इतनी तेज थी कि वो भूत बहुत अधिक दूर जाकर गिर गया था। काल नाग ये देखकर हैरान था और बोला, निम्बक सेन आखिर ये क्या है? ये वासु तो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। अगर तुम्हें भागना है ना तो भाग जाओ कालनाग, क्योंकि अब मेरे सामने जो भी आएगा ना मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, वासु ने गुस्से में कालनाग से कहा। तभी निम्बक सेन ने एक साथ कई भूतों से वासु पर आक्रमण करने को कहा और जैसे ही उन्होंने आक्रमण किया, वासु ने फिर से अपनी मशाल से सबको मार दिया। जो भी वासु के सामने आ रहा था वो पल भर के लिए भी टिक नहीं पा रहा था। हमें कुछ भी करके इस वासु को आज के लिए रोकना होगा और इसका शक्ति से मिलन नहीं होने देना होगा, क्योंकि अगर ये दोनों मिल गए तो फिर सब समाप्त हो जाएगा, निम्बक सेन ने कालनाग से विनती करते हुए कहा। क्या हुआ निम्बक सेन, अब तुम्हारी शक्तियां कहां गई? तुम तो इस पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक प्राणी से सबसे अधिक शक्तिशाली हो ना, आज तुम्हारी आसुरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही है? कहां गायब हो गई तुम्हारी ये शक्तियां? आज तुम्हारा अंत निश्चित है निम्बक सेन, तुमने लोगों पर बहुत जुल्म कर लिए है और अब उन सब का फल तुम्हें मिलेगा, वासु ने निम्बक सेन को चेतावनी देते हुए कहा। निम्बक सेन और कालनाग दोनों ही वासु की तरफ देख रहे थे। वासु काफी ज्यादा गुस्से में था। तभी कालनाग ने निम्बक सेन से कहा, आखिर बात क्या है, ये तो बताओ तुम इतने बेचैन से क्यों हो? जब मैं यज्ञ कर रहा था तो दैत्य शक्तियों ने मुझे एक संदेश दिया और बताया कि इस वासु को शक्तिशाली बनाने के लिए गुफा में कोई न कोई शक्ति आ गई है। उस शक्ति की कोई संरचना नहीं है और वो किसी भी रूप में इस वासु से मिल सकती है। अब वो किस रूप में इस वासु से आकर मिलेगी कुछ पता नहीं, लेकिन अगर वो शक्ति वासु को मिल गई तो फिर ये दोनों वो नहीं होने देंगे जो हम चाहते हैं, बेचैन निम्बक ने कालनाग को पूरी बात बताई। इधर राजकुमारी शालिनी की पूजा संपन्न हो गई थी। अब इस पत्थर से यह लाल कपड़ा हटाकर संदेश देखने का समय आ गया, क्या तुम तैयार हो शक्ति? राजकुमारी शालिनी ने शक्ति से पूछा। शक्ति ने हामी भरी और राजकुमारी शालिनी पत्थर को उठाकर उसके ऊपर से लाल कपड़ा हटाने लगी। पत्थर पर एक संदेश उसी लिपि में लिखा था जिस भाषा में राजकुमारी शालिनी ने लिखा था। क्या लिखा है दीदी? शक्ति ने उत्साहित होकर राजकुमारी शालिनी से पूछा। इसमें लिखा है कि शक्ति उस तक पहुंच गई है जिसे उसकी जरूरत है, लेकिन तब तक उस शक्ति को मुझे बचाकर रखना होगा जब तक सही वक्त नहीं आ जाता। सही वक्त आने पर वो शक्ति ही इस मुश्किल से सभी को निकालेगी और अभी सही वक्त नहीं आया है, राजकुमारी शालिनी ने वो संदेश पढ़कर बताया। ये तो खुशी का मौका है दीदी, शक्ति ने मुस्कुराते हुए शालिनी से कहा। वहीं राजकुमारी शालिनी के चेहरे पर अभी भी शिकन की रेखाएं थी और उसने बुदबुदाते हुए कहा, आखिर मैं इस शक्ति को संभाल कर कैसे रखूंगी जब मुझे पता ही नहीं है कि आखिर शक्ति कहाँ है और किस रूप में है? राजकुमारी शालिनी चिंतित थी और वहीं शक्ति पास में बैठी मुस्कुरा रही थी। और तभी शक्ति ने समझाते हुए राजकुमारी शालिनी से कहा, आप चिंता न करिए, अगर ये संदेश मिल गया है तो उस शक्ति का पता भी चल जाएगा। उधर निम्बक सेन ने कालनाग से कहा, सभी दैत्य शक्तियां इस वासु से लड़ने में असफल हो गई है और अब तो बस एक ही विकल्प है कि आप अपने नागास्त्र का उपयोग करें और इसे अपने पास में बांध लें। निम्बक सेन कालनाग से विनती करने लगा। वहीं वासु इस समय तक हर किसी को समाप्त कर चुका था, कोई भी दैत्य शक्ति उसके सामने नहीं टिक पा रही थी। निम्बक सेन, अगर तुमने जल्द से जल्द उन औरतों को अपनी कैद से नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें भी
यही मार दूंगा, वासु ने निंबक सेन को धमकी देते हुए कहा। इतना हवा में मत उड़ो वासु, क्योंकि अगर एक बार तुम मेरी पकड़ में आ गए तो इस बार तुम्हारे बचने का एक भी रास्ता मैं नहीं छोड़ूंगा। निंबक सेन ने वासु से कहा। वासु ने निंबक सेन की पूरी गुफा में तबाही मचा दी थी कि तभी निंबक सेन ने कालनाग से फिर नाग अस्त्र चलाने के लिए बोला। काफी सोचने के बाद कालनाग निंबक सेन की बात मान गया और उसने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे कालनाग मंत्रों का उच्चारण कर रहा था, वासु की शक्तियां कम पड़ती जा रही थी। ये मुझे क्या हो रहा है? आखिर अचानक से ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे अंदर से ऊर्जा निकल रही है? मुझे अपने अंदर ही कुछ कमी सी महसूस क्यों हो रही है? वासु ने खुद से कहा। मंत्रों का उच्चारण करके कालनाग ने देखते ही देखते अपने नाग पाश में वासु को बांध लिया और फिर कालनाग ने निंबक सेन से कहा, मैंने तुम्हारे कहने पर यह किया है, अब अगर इसके कोई दुष्परिणाम होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी होगी। निंबक सेन ने अपने मंत्रों से फिर से कुछ दैत्य शक्तियों को जन्म दिया और बोला, इस वासु को चारों तरफ से घेर लो जिससे कोई भी इसके समीप न जा सके। एक छोटा सा जीव भी अगर इसके पास आता है तो उसे तुरंत मार देना। निंबक सेन ने उन दैत्य शक्तियों का आदेश देकर फिर से मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। वासु खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नागपाश से निकल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। वासु ने तमाम कोशिशें की लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और फिर वासु ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे छोड़ दो निंबक सेन, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे लड़कर दिखा, यूं मुझे बार बार बांधकर तुम सिर्फ अपनी कायरता का उदाहरण दे रहे हो। निंबक सेन ने वासु की एक भी नहीं सुनी और मंत्रों का उच्चारण करता रहा। तभी कालनाग ने वासु से कहा, आज शायद तुम्हें इस नागपाश में बांधकर मेरा बदला भी पूरा हो गया है। तुमने मेरे तमाम नागों को आग में जलाकर मार दिया था। इस तरह से नागमणि समुदाय ने मेरे कुल के लोगों को मारा था, वैसे ही तुमने भी मेरे नागों को आग में जलाकर खत्म कर दिया था। और देखो, आज तुम ही मेरे कारण कैद में हो और तुम्हें निकलने का रास्ता भी नहीं मिल रहा है। कालनाग, तुम ये गलत कर रहे हो और आप और निंबक सेन जो भी चाहते हैं मैं वैसा नहीं होने दूंगा, वासु ने चिल्लाते हुए कहा। पहले पता तो कर लो कि आखिर निंबक सेन चाहता क्या है। कालनाग ने मुस्कुराते हुए वासु से कहा, क्या नाग पाश से बंधा वासु खुद को छुड़ा लेगा? क्या निंबक सेन के अपराधों का अंत हो पाएगा? आखिर वासु कैसे निंबक सेन को खत्म करेगा? शक्ति आखिर वासु तक कैसे पहुंच पाएगी? या फिर निंबक सेन फिर से जीत जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए श्राप।